जिले की बदावास वन परिक्षेत्र के एक कर्मी को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बदावास वन विभाग के अघरा गांव में रहने वाले मुनीश धाकर ने बताया कि वह अघरा गांव में करीब 35 से 40 बीघा वन भूमि पर कब्जाधारी हैं। उनकी जमीन पर फसल खड़ी हुई है। अघरा वन क्षेत्र के वीट गार्ड गिरिराज धाकर ने फसल उजाड़ने से बचाने के लिए लीज रिन्यूअल के नाम पर 40,000 रुपयों की मांग की थी। वनकर्मी गिरिराज धाकर से 40,000 रुपये न देते हुए 20,000 रुपये में मामला सुलझवाने की बात तय हो गई थी। आज वनकर्मी गिरिराज धाकर को पैसे देने की तारीख तय हुई थी। इसकी शिकायत लोकायुक्त ग्वालियर में 31 जनवरी को मेरे द्वारा दर्ज करा दी गई थी। आज लोकायुक्त की टीम ने वनकर्मी गिरिराज धाकर को ग्राम अनवारा के पास से युवराज होटल पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। क्या नाम है आपका? जी मुनेश धाकर। किस बात की रिश्वत देने गए थे आप इसको? जी सर, मैं क्या फॉरेस्ट जमीन करता हूँ, उस पर कब्जेदारी है। लेकिन जो लोग क्या है कि गरीब लोगों को सताते हैं, बार बार परेशान करते हैं सब लोगों को, तो इसलिए जे भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए मैं सर से मिला। तो सर ने बोला कि हमारे अंडर में तुम जो काम करो आपके लिए न्याय मिलेगा, गरीब आदमी हो साहब, इसलिए मैंने। कहाँ पे है जमीन आपकी? है आगरा गाँव में। तो इससे कोई वरिष्ठ अधिकारी से बात भी हुई क्या? फिर आपने पुलिस वालों को पैसे दे रहे थे? नहीं, जो बार बार मांग रहे थे, मेरे धमकी दे रहे थे मेरे लिए, अगर आप नहीं दोगे तो हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे, फसल उजार देंगे। धमकी दे रहे थे? धमकी दे रहे सर। इसमें शिकायत कब की थी आपने लोकायुक्त में? लोकायुक्त में थी 31 तारीख की। निकल जाओ। ठीक है सर, आज एक व्यक्ति को पकड़ा गया है सर, ये पूरा क्या मामला है सर? दिनांक 31 जनवरी 2023 को हमारे पास फरियादी मुनीश धाकर आया था। वो जंगल में करीब 35-40 बीघा ज़मीन जोते हुए, उस ज़मीन को छोड़ने के लिए फॉरेस्ट वीट गार्ड गिरिराज धाकर उसको धमका रहा था और उससे पैसे मांग रहा था कि पैसे दे, नहीं तो हम तुम्हारी फसल को उजाड़ देंगे, तो अपनी ज़मीन छिना देंगे, तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो इस संबंध में उसने हमारे यहाँ रिपोर्ट की, जिसके बाद हमने गिरिराज धाकर की मांगते हुए आवाज़ टेप करवाई, जिसमें वो 40,000 रुपये की डिमांड कर दिया था, लेकिन तोड़ बत्ता होते होते वो 20,000 पे गाड़ी हो गया। उस 20,000 इसने देने के लिए इसको बुलाया था, तो आज हमने उसकी टेप की कार्रवाई संपन्न की, जिसमें गिरिराज धाकर को 20,000 रुपये देते हुए रंगे हाथ पकड़ा और उसके खिलाफ कार्रवाई संपन्न।